Hi, hello everyone. I'm Sarika Chauhan Kharbanda and I'm Arika Kharbanda. Welcome back to our channel. Hope आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे. हम भी अच्छे हैं, है ना? Yes, हम बहुत अच्छे हैं. चलिए, सो ज्यादा बातें ना करते हुए, let's start the vlog. यादों के पिटारे में ले चलते हैं आपको थोड़ा सा पीछे. तो यहाँ पर आरू अपनी पश्मीना की शॉल में लिपटी हुई है, जो कि उसकी मामी ने उसे गिफ्ट करी है, और आऊ पाऊ के साथ खेल रहा है भैया उसके नए टॉय पे. और पीछे आप देख सकते हैं सारा सामान ऑलमोस्ट पैक है और बस यहाँ से जाने की तैयारी. यहाँ पर आरू पारू दूध पीने के बाद कुछ सोच रहा है, क्योंकि वो अपनी मम्मा की बोरिंग बातों से पक गई थी और मैं उसे हंसाने की पूरी कोशिश कर रही थी. यहाँ पर उसे ऑलमोस्ट नीनी वापस आ रही थी. तो बस बेबी जब सोता है तब भी वो यॉनिंग करता है, जब उठता है तब भी वो यॉनिंग करता है. तो बस वो अपना हैंड खा रही थी और मुझसे खूब सारी बातें कर रही थी. यहाँ पर डेली का फेवरेट टाइम अपनी नानी के साथ, नानी उसकी मालिश कर रही है. तो मुझे पिछले कुछ कॉमेंट्स आए थे कि बेबी की मालिश आप दिखाएँ, तो सेपरेट वीडियो मैं फिर कभी बनाऊंगी. बट ये नानी माँ इस तरह से आरू की मालिश करती थी. हम लोग की तरफ गुट्टी का तेल होता है, जो कि बहुत हेल्दी होता है, बहुत गर्म होता है विंटर्स के लिए स्पेशली. तो इस तरह से नानी उसकी मालिश किया करती थी, और यही मैंने मम्मा से सीखा है. इसी तरह अब मैं उसकी मालिश करती हूँ. लेग्स और आर्म्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है स्टार्टिंग में, और बैकबोन पे आपको अच्छे से करना होता है मालिश. और बस यहाँ पे आऊ पाऊ हो गया है नहा धो के रेडी. स्टार्टिंग में मैं उसे खूब सारे लंगोट लगाती थी, बिकॉज़ लंगोट से क्या रहता है ना, डायपर्स वगैरह मैंने स्टार्टिंग में सोचा नहीं था कि मुझे कौन से डायपर्स उसके लिए यूज़ करने हैं कौन से नहीं. सो लेटर हमने डिसाइड किया कि हम उसके लिए जो क्लोथ्स वाले होते हैं रीयूजेबल, हम वही यूज़ करते हैं उसको. यहाँ पर हो गया है आऊ पाऊ के नहाने का टाइम. एंड अगेन, जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, लेट नाइट आऊ पाऊ उठ गई है, और इस वक्त भी बजे हैं लगभग 1:30 बजे हैं रात के. और यहाँ पर ममा का स्ट्रगल फिर से शुरू रात के 2:30-3 बजे, और ममा अब तो हंस रही हैं. शी इज़ लाइक, ये कौन सा पर्टिकुलर टाइम इसने पकड़ लिया, बिकॉज कुछ दिन उसने 2-3 बजे, वो ऐसे कहते हैं हमारे में बच्चा पक्ष बदलता है, या तो दिन में सोता है या फिर रात में उठता है. सो बस आऊ पाऊ का वही टाइम चल रहा था, और देखते ही देखते मेरा आरू पारू हो गया था पूरे 1 महीने का. और जो ये ड्रेस आरू पारू ने पहना है, ये उसकी मासी ने, यानी मेरी बेस्ट फ्रेंड बिल्लो ने गिफ्ट करा है, जिसका नाम अनूप शर्मा है, बट मैं उसे प्यार से बिल्ली ही बुलाती हूँ. बिल्लू बुलाती हूँ. सो ये आऊ पाऊ का मैंने फ़ोटोशूट करा है. बहुत ही मेहनत लगी थी उस दिन, वो मेरा फर्स्ट टाइम था. और इस दिन माँ बेटी हम दोनों घर पे अकेले ही थे, तो मैं खूब सारी बेबी से बातें कर रही थी, खूब सारी वीडियोस बना रही थी, क्योंकि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, फिर कभी आपको सुनाऊँगी. मैं अभी हैप्पी मोमेंट को सैड मोमेंट में नहीं बदलना चाहती. सो या आऊ पाऊ मुझसे बातें कर रही थी, आप देखिए वो मुझे कितने प्यार से देख रही है. और बस मामा बेटी मूवमेंट चल रहा है. ये ना बहुत ही एक अलग सा एहसास है. और ये मैंने उस दिन ऐसी 2 गुत्ते बांध दी थी, तो मेरी मम्मा मुझे आके कहती है बाद में, बेटा ऐसे लग ही नहीं रहा है कि तू इसकी माँ है, बिकॉज़ ऐसे लग रहा है कि तू अभी खुद एक छोटी सी बच्ची है. माँ का प्यार. ओके, नो डाउट आप अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करते हो, बहुत प्यार करते हो, बट ट्रस्ट मी, खुद माँ बनने के बाद जो फीलिंग आती है ना अपने पेरेंट्स के लिए, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. उनका स्ट्रगल, उनका प्यार, उनका हर एक सेक्रीफाइस, हर एक छोटी छोटी चीज़, तब आपको अच्छे से समझ आता है कि माँ बाप ने हमारे लिए क्या करा है, जिसे हम नो डाउट एनी हाउ हर बच्चा रिस्पेक्ट करता है अपने माँ बाप की, कि उन्होंने हमारे लिए कितना करा है. बट ये एक सच्ची कहावत है, बेटा जब खुद माँ बाप बनोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि बच्चे की पहली हंसी, बच्चे का पहला रोना, बच्चे का पहला हंसना, मतलब हर छोटी छोटी चीज़ जब आप काउंट करने लग जाओगे, उस दिन आप माँ बाप बन जाओगे. इतना सुंदर है फूल वाला. नानी का प्यार है, याद रखना. बिल्कुल मम्मा, मैं आपका वेट ही कर रहा था, इसीलिए वेट कर रहा था. आप आओगे, आप ही खोलोगे. मेरे को दो पा रहा है ब्लैंकेट. गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस. ये दिखाना ब्लैंकेट. चो छुई.
प्यारा कम्बला पप्पी चुप करा। क्यों आई है ये बोल रही है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं बोल रही, आई है तो मुझे उठा दे मम्मा। आ गई बेटी, थैंक यू नानी। यहाँ पर आओ पाओ अपने रूटीन में वापस। ये जो गिफ्ट्स आपने पीछे देखे ये बड़ा नानी ने गिफ्ट करे थे, मतलब मम्मा की जो मम्मा है उन्होंने, और जाने से पहले ये उनका आखिरी गिफ्ट था। एज़ यू ऑल नो बड़ा नानी अब हमारे बीच नहीं है, मैंने पहले भी किसी व्लॉग में बताया था। और ये आओ से मिलने के लिए वो वेट कर रही थी और उसको मिलके उन्होंने एक गिफ्ट दिया एंड उसके बाद वो चली गई, बट वो हमारी यादों में हमेशा है। भाई ये पक्का एक महीने की भी है। ये देखी लुट रहे ना तो बेटा, सो क्यों नहीं रहे आज हैं? टाइम देखो 12:30 हो गया। रात का टाइम मेरा और मम्मा का बस ऐसे ही कटता था। और यहाँ पर आऊ पाऊ हंस रही है इतना खेलने के बाद, वो बिल्कुल नानी की नकल कर रही थी, जैसे नानी कर रही थी वैसी वो कर रही थी। और देखिए हंसने के बाद रोना, रोने के बाद हंसना, बस यही चलता रहता था रात भर। बिकॉज उस मंथ में ये आऊ का सेकेंड मंथ था राइट, तो 1 month की वो हो गई थी। फर्स्ट मंथ वो बिल्कुल शांति से सोई जैसे बच्चे सोते हैं या जैसे मैं सोती थी वैसे ही, बट सेकेंड मंथ में उसने अपना पक्ष बिल्कुल ही बदल दिया था। वो रात में जागती थी और दिन में सोती थी। सो उसके बाद 3rd month के बाद होता है कि बच्चा आपको आपके हिसाब से सोता जागता है, बट उससे पहले वो अपनी तरह से करता है। और यहाँ देखिए पापा उसे किस तरह खिला रहे हैं। सो इस तरह से आऊ पाऊ का पूरा पूरा टाइम स्पेंड होता था और हम लोग का भी। सो यहाँ पर वो अपने पापा से कर रही है बातें, कभी उसके पापा आवाज़ें निकाल कर बातें करते हैं सीटी बजा के, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। कभी वो बिल्कुल साइलेंट होके भी उससे बातें करते थे और वो प्रॉपर रिस्पॉन्स देती थी। आप देखिए वो हंस रही है, वो सो रही थी नींद में थी, बट फिर भी वो बातें करती थी, रिस्पॉन्स करती थी। सो बस ऐसे ही चलते रहते थे हमारे छोटे छोटे मोमेंट्स जिन्हें मैं कैप्चर करती रहती थी। और बस पतिदेव पूरा पूरा टाइम उसी के साथ यू नो बिजी रहते थे जब भी उनको टाइम लगता था। ये अच्छा मेरा बेटा शेर पुत्र, किसका शेर पुत्र है? ओ मम्मा का शेर नहीं है कि पापा का पिंचज है। बोलो बोलो कि दादी की रसमलाई कि दादू की पोती है, नानी का पंपा कि नानू का छेनू, भैया की बहना कि बड़े माँ का सपना, बड़े पापा की लक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं है तू, तू है पिदी, बड़े पापा की पिदी, लक्ष्मी तो तू छब का लक्ष्मी है ना मेरे बेटा, मो बच्चा मारो पारो बच्चो, लोलो लोलो पोलो पोलो बच्चो। ए पद्दू मारा रोना चाह रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं आप? प्लीज हमें बताइए क्या चाह रहे हैं मैम आप? हाथ बाहर निकालना चाह रहे हैं आप? हाथ ये पैरों से क्यों मार रहे हैं आप हमें? ये शॉल को ऐसे क्यों फेंक रहे हैं आप? ऐसे क्यों फेंक रहे हैं आप?
चलो आओ भाई दादू दादू आई लव यू हैप्पी यार तू तो कलाकार है देखो वेरी गुड वेरी नाइस दादू दादू ने केक पे यार तूने दादू पांचवा पेज है अच्छा दादू केक खाई दोनों को केक दो चाय के लिए चलो के चाय के लिए ये काट के पहले हां चलो इधर हटा दिया सुंदर कार्ड बना नहीं 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 चलो फूंक मारो अरे फूंक मार गई आफ्टर केक कटिंग मम्मा कर रही थी शगुन देने की कोशिश जो कि पापा जी ने मना कर दिया और ये शगुन घूम फिर कर अरिका के पास आ गया सो मान रखने के लिए ले लिया बट वापस कर दिया टू अरिका। यहाँ पर गुगा को मिला है दादू का बर्थडे गिफ्ट। बर्थडे किसी का भी हो गिफ्ट गुगा का आता ही है। तो ये है उसका सुपर हीरो जो वो मुझे बनाकर दिखा रहा था। ये पूरा उसने खुद जोड़ कर बनाया है तो इसलिए वो दिखा रहा था। और बस सेम रूटीन नानी कर रही हैं अरिका की मालिश। आगे की वीडियो के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। आपको आज का हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ये एंड स्टे ट्यून्ड अंटिल आवर नेक्स्ट ब्लॉग बाय बाय।